दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में छात्रों के साथ मारपीट की घटना सामने आई है। स्कॉलरशिप मांगने गए छात्रों के साथ विश्वविद्यालय स्टाफ और गार्डों ने जमकर मारपीट की है। इस घटना में जेएनयू में एबीवीपी के प्रेसिडेंट रोहित कुमार समेत 6 स्टूडेंट घायल हो गए। छात्रों ने बताया कि उन्हें 2 साल से स्कॉलरशिप नहीं मिली है। मारपीट के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। मैं जब फेलोशिप मांगने गया, अपने 6 महीने मेरा फेलोशिप नहीं आ रहा था। उसके बाद साइकोप सिक्योरिटी ने, हमने वहाँ पे बोला कि जब तक फेलोशिप हमारा नहीं आता है रजिस्ट्रार से मिलके ही जाएंगे। साइकोप सिक्योरिटी आते हैं और अचानक से 50-60 की संख्या में हम 10-20 छात्र अपना वोमन स्टूडेंट अपना फेलोशिप की मांग कर रहे होते हैं। मांगने के 6 महीने तो कैसे खाएंगे कैसे रहेंगे। अचानक आता है और हम पे हमला बोलता है, मेरे यहाँ पे नस में चोट आई है, पीछे चोट आई और उसके बाद में पेट में बहुत तेज चोट लगी। सोशल मीडिया पर घटना के कई वीडियो वायरल हो रहे हैं। इसमें छात्रों और गार्ड्स के बीच टकराव देखा जा रहा है। दोनों तरफ से खींचतान चल रही है। धक्का मुक्की में कुछ छात्र टेबल पर गिर जाते हैं। एक वीडियो में गार्ड्स छात्रों की पिटाई कर रहे हैं और उन्हें बाहर धकेल रहे हैं। घायल छात्रों का आरोप है कि पिछले 2 सालों से उनकी स्कॉलरशिप रुकी हुई है। स्कॉलरशिप को रिलीज किए जाने की मांग को लेकर सोमवार को जेएनयू के प्रशासन के पास गए थे, लेकिन वहां स्टाफ और गार्ड्स ने उन्हें रोक लिया और फिर मारपीट शुरू कर दी। मारपीट में एबीवीपी के प्रेसिडेंट रोहित कुमार समेत आधा दर्जन छात्रों को चोटें आई हैं। छात्रों का कहना है कि वो इसकी पुलिस रिपोर्ट दर्ज कराएंगे। बता दें, जेएनयू प्रशासन के नकारात्मक रवैये के खिलाफ छात्र बीते 12 अगस्त से अनिश्चितकालीन सत्याग्रह कर रहे हैं। 18 अगस्त को भी छात्रों ने रेक्टर ए.के. दुबे का घेराव करते हुए उनकी गाड़ी के सामने नारेबाजी की थी। एबीवीपी जेएनयू इकाई अध्यक्ष रोहित कुमार ने स्कॉलरशिप को लेकर भी आरोप लगाए हैं। यार, जब तक एक एक छात्र को जो कि पिछले 6 महीने स्कॉलरशिप आई है उसका ब्याज भी यूनिवर्सिटी ले रही है, उसके इंटरेस्ट को यूनिवर्सिटी पता नहीं, उस इंटरेस्ट का अकाउंटेड नहीं है, कौन लेता है कौन नहीं लेता, वो सारी चीज जब तक आज तक नहीं चढ़ेगा जब तक हम लोग यहाँ से नहीं डोलने वाले। लास्ट में बचे, ये देख लीजिए आप, ये स्कॉलरशिप के फॉर्म रखे जाते हैं, 2019 के फॉर्म इसमें पड़े हुए हैं, यानी स्टूडेंट पास आउट हो गया, उसको स्कॉलरशिप नहीं मिली है, कोई इसको छूने को तैयार नहीं है। आज विद्यार्थी परिषद ने जब इसको उठाया तब ये चीज़ें पर्दाफाश हो रही है। तो हमारा यही डिमांड है कि रजिस्ट्रार आए, हमसे बात करे, आश्वासन दे, पिछले 6 महीने से एक भी छात्र को जो स्कॉलरशिप नहीं मिला है उसका एक जवाब दे। बच्चे, मैं रोहित कुमार, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जेएनयू इकाई का अध्यक्ष। इससे पहले अप्रैल महीने में भी जेएनयू से एक हिंसक झड़प की खबर सामने आई थी। तब यूनिवर्सिटी कैंपस में 2 छात्र संगठन भगवा झंडा लगाए जाने को लेकर आपस में भिड़ गए थे। जेएनयू कैंपस के आसपास भगवा झंडे हिंदू सेना की ओर से लगाए गए थे। इसके साथ ही कुछ पोस्टर भी लगाए गए थे। इन पोस्टर पर भगवा जेएनयू लिखा गया था, हालांकि बाद में इन्हें हटा दिया गया था।